हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी 54 पार्षदों वाली जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है और अब जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। जिलाधीश राकेश प्रजापति की माने तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों की हस्ताक्षरित कॉपी मिल चुकी है, जिसके तहत अब जल्द ही ये चुनाव करवाए जाएंगे ताकि प्रजातंत्र के तहत जो चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई है उसे इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाए। हालांकि 30 जनवरी को कोरम पूरा होने में कुछ संशय चल रहा है, जिस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जिलाधीश राकेश प्रजापति ने कहा कि अगर उस दिन ये चयन नहीं हो पाया तो भी जल्द ही इस चयन को मुकम्मल किया जाएगा। काबिले गौर है कि हाल ही में हुए जिला परिषद के चुनावों में जीत कर आए पार्षदों में से 32 पार्षद भाजपा के जबकि 19 कांग्रेस के हैं, तो वहीं 3 पार्षद निर्दलीय हैं। हालांकि भाजपा के पास जिला परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने के लिए कोई जादुई आंकड़ा पूरा है, फिर भी अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के लिए ललायित कई जिला परिषद सदस्यों ने अपने स्तर पर भी जोड़ तोड़ का काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, भावी विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दोनों दलों की नजरें इन ओहदों पर अपना ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष बिठाने की है और इसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके जो अंदर खाते इन कुर्सियों पर काबिज होने के लिए ललायित हैं, वो पार्टियों द्वारा थोपे जाने वाले अध्यक्षों उपाध्यक्षों को कितना पसंद नापसंद करते हैं ये बड़ा सवाल है। क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन ओहदों के चाहवान ओहदा ना मिलने पर क्रॉस वोटिंग का खेल भी खेलकर अपने ही दलों को गच्चा भी दे सकते हैं, जिस पर अब बड़े नेताओं की भी नजर है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा आ रहे हैं ताकि इस पूरी प्रक्रिया को अपने स्तर पर भी सुलझाया जाए और अपने पार्षदों के भी दिल जीतकर सियासत का केंद्र समझे जाने वाले कांगड़ा जिला में सबसे बड़ी जिला परिषद में अपनी पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जा सके। देखिए, जो डेट हमने डिसाइड किया है वो 30 जनवरी की है। 30 जनवरी को सुबह 11 बजे ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 घंटे के अंदर जो भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो दिशा निर्देश आए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसको 30 तारीख को हम क्लोज करें। देखिए, कोरम अगर नहीं पूरा होता तो अगले फिर 7 दिनों के अंदर दोबारा हम इसको प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द कोरम पूरा हो और जल्द से जल्द जिला परिषद को उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिले।